friends, in the series of different chapters of grammar, today I have come before you with a new chapter, that is syntax. First of all, before we could start this particular chapter, I would like to tell you this chapter is the most vital as far as the common error is concerned. You must have heard about common error. Common error is a type of question series which are usually asked in various competitive examinations, particularly in banking, in SSC, in CDS, NDA, and various competitive examinations in India as well as in Bihar. Syntax is quite vital for those common error questions. Common error questions are those questions in which we are committed to trace out, find out the fault or in a particular sentence. So syntax is the most vital, as I can say. Various chapters are concluded common errors. However, most of the questions, maximum questions are set from this chapter in common errors. And common error is common to each and every competitive examination approximately, as far as the modern question patterns are concerned. So we must be serious, we must be committed, we must be concentrated towards this particular chapter. Syntax, to find out syntax, we must have various rules, at least 30 to 35 basic rules, important rules, have to be studied in two or three videos given by me on YouTube. So we are getting ready to start this particular chapter, syntax. First of all, we must define what is syntax. So while we are going to define syntax, we must say syntax is the study of the subject, verb, and their agreement. This is the simplest form of definition of syntax. While we are getting ready to trace out this definition, what is syntax? Syntax is the study of the subject, verb, and their agreement. So जब हम syntax को define करने की बात करते हैं, तो syntax के definition में हम सबसे पहले लिखते हैं कि syntax study है subject का और verb का, और their agreement means how a subject joins a particular verb. It is also studied in here this chapter. So syntax की परिभाषा जब भी हम देने का प्रयास करते हैं, तो उसमें बस सबसे simplest परिभाषा, वैसे बहुत सी परिभाषाएं हैं, हम लोग जल्दी से जल्दी इस परिभाषा से निकलेंगे, तो उसमें यही कहा जाता है कि syntax जो है वह subject का study है, verb का study है, और कैसे कोई subject किसी verb से जुटेंगे, यही syntax है. अक्सर बच्चे क्लासरूम में मुझसे बरसों से पूछते चले आ रहे हैं कि सर सिंटैक्स की हिंदी होती है वाक्य विचार, तो फिर सिंटैक्स में केवल वाक्य में तो बहुत कुछ होते हैं, तो फिर सिंटैक्स में केवल सब्जेक्ट और वर्ब का ही स्टडी क्यों? सिंटैक्स में वाक्य में तो बहुत कुछ होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, कंजक्शन होते हैं, आर्टिकल होते हैं, मॉडल्स होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, तो फिर सिंटैक्स में केवल सब्जेक्ट और वर्ब का ही स्टडी क्यों? तो इस पर मैं जवाब दूंगा कि सब्जेक्ट और वर्ब, दीज टू आर द बेसिक एलिमेंट्स टू फॉर्म ए पर्टिकुलर सेंटेंस. सब्जेक्ट और वर्ब जो है वह एक बेसिक एलिमेंट है सेंटेंस को फॉर्म करने का, और इसलिए सिंटैक्स में हम लोग केवल सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं, वर्ब का अध्ययन करते हैं, और कैसे कोई सब्जेक्ट किसी वर्ब से मिलेंगे. जैसा कि हम जानते हैं, इससे पहले मैंने डिफरेंट वीडियोज के माध्यम से आपको बताया है कि सब्जेक्ट के रूप में मुख्य रूप से, वैसे तो नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में
यूटिलाइज होते हैं, लेकिन सेवन फैक्टर्स आर बेसिक जो सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो हम लोग अभी इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट की चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब की ही चर्चा करेंगे। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन्फिनिटिव, जीरंद, फ्रेज और क्लॉज, दीज सेवेंस आर द बेसिक एलिमेंट्स टू फॉर्म ए पर्टिकुलर सेंटेंस विच आर यूटिलाइज एज द सब्जेक्ट्स इन दीज इन दी इंग्लिश सेंटेंसेज। तो हम लोग अब समझ गए हैं कि चूंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बिना वाक्य नहीं बन सकते हैं, बाकी अगर ना हो वाक्य में तो भी वाक्य बन जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बिना चूंकि सामान्य वाक्य नहीं बन पाते, इसलिए सिंटैक्स में हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब का ही स्टडी करते हैं। डिफिनीशन से निवृत्त हों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे लगभग 30-35 रूल्स को, जो विभिन्न वीडियोस के माध्यम से आपके सामने मैं रखूंगा। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण बेसिक रूल है, और वो है SSPP। ये क्या है SSP? इस S का मतलब हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट। इस S का मतलब हुआ सिंगुलर वर्ब। इस पी का मतलब हुआ प्लूरल सब्जेक्ट, और इस पी का मतलब हुआ प्लूरल वर्ब। तो थोड़ा सा हम लोग ये जाने कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट इज ट्रीटेड विद सिंगुलर वर्ब, हाउएवर प्लूरल सब्जेक्ट इज ट्रीटेड विद प्लूरल वर्ब। हम लोग हिंदी में कहें थोड़ा बेहतर ढंग से, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ मैं पहले बताना चाहता हूँ, जहाँ तक हेल्पिंग का सवाल है, तो हेल्पिंग का जहाँ तक सवाल है उसमें हैव को प्लूरल माना जाता है, हैज को सिंगुलर माना जाता है। इसके अलावा हम ये कहें कि जो प्रिंसिपल वर्ब है, गो, कम, प्ले, रीड, राइट, ये सब पहले से प्लूरल होते हैं। And when we will add s or es just after it, it will be changed from plural into singular. ये अक्सर पछता नहीं रहता है, जैसे कि go जो है वह plural है और goes जो है वह singular है, come जो है वह plural है और comes जो है वह singular है, जैसे play plural है और play जो है वह singular है। ये इसलिए नहीं पछता है कि हम लोग बचपन से ये पढ़े हैं कि एस ई एस लग करके प्लूरल बनाए जाते हैं, सही बात है, लेकिन वो प्लूरल बनाए जाते हैं किसके, वो नाउन के प्लूरल बनाए जाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल वर्ब पहले से प्लूरल होते हैं, और जब भी आप उसमें एस ई एस लगाइएगा तो वो बन जाएंगे सिंगुलर। ये पहले से दिमाग में किए रहे, जैसे और अच्छा एक चीज और, कुछ वर्ब खासतौर पर प्रिंसिपल वर्ब और हैज और हैव, वो केवल थर्ड पर्सन के ही लिहाज से, थर्ड पर्सन के ही अकॉर्डिंग वो सिंगुलर प्लूरल माने जाते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं दे के साथ हम लोग गो लिखते हैं, इसलिए चूंकि दे प्लूरल है और इसके साथ प्लूरल चाहिए, तो ये सब तो प्लूरल हैं, तो इसलिए इसके साथ गो लगे। लेकिन ही के साथ हम लोग गोज नहीं लगाते हैं, ये तो सामान्य बच्चे भी जानते हैं, लेकिन क्यों इसकी जानकारी हमको सिंटैक्स देता है, चूंकि ही सिंगुलर है और गोज जो है एस ई एस लगने से प्रिंसिपल वर्ब सिंगुलर बनते हैं, पहले से प्लूरल होते हैं और एस ई एस लगने से वो सिंगुलर बनते हैं, तो यहाँ ये सिंगुलर हो गए इस तरह से। अब बहुत से स्टूडेंट्स हमसे पूछ देते हैं कि सर आई के साथ तो गोज नहीं लगता जबकि आई सिंगुलर है, आई के साथ तो गोज नहीं लगता जबकि आई सिंगुलर है। तो मैंने पहले यहाँ लिख दिया कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो केवल सिंगुलर प्लूरल थर्ड पर्सन में ही होते हैं। चलिए हम लोग अब आगे रूल की तरफ बढ़ें, तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण रूल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर एडेड विथ the conjunction besides as well as in addition to
in addition to along with etc. the verb follows the last first first subject. थोड़ा इसको देखें, अगर इसको हिंदी में बोलें तो यही है कि अगर दो सब्जेक्ट हो, दो ठो सब्जेक्ट हो और दो सब्जेक्ट अगर जुड़े हों, दो सब्जेक्ट अगर जुड़े हों एज वेल एज नामक कंजक्शन से या बिसाइड से या अलोंग विद से इन एडिशन टू इन सब से, तो उसका जो वर्ब होगा वो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। जैसे हम अगर लिखते हैं आई इज प्लेइंग देयर, अक्सर आप कहेंगे कि सर आई के साथ तो एम लगता है, इज क्यों लगा, आई के साथ तो एम लगना चाहिए, अभी तक ये सेंटेंस में गलती है, गलत है ये सेंटेंस। लेकिन जैसे ही हम इसमें दो सब्जेक्ट को हम जोड़ देंगे एज वेल एज से, एज वेल एज से, अब देखिए अब ये सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि यही रूल आपको कह रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज नाम के कंजक्शन से जुड़ा हो, जुड़ा है यहाँ देख सकते हैं, तो उसका जो वर्ब होगा वो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। तो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक तो ऑलरेडी है यहाँ पर वर्ब, तो इस तरह से ये वाक्य अभी सही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले सब्जेक्ट के मुताबिक हर केस में वर्ब होता है, ये कुछ ऐसे कंजक्शन है इससे जुटने पर ऐसा होता है। तो अब इस वीडियो में चूँकि हमने ज़्यादा समय लगा लिया डिफिनीसन वगैरह में, तो हम जो और रूल्स सब हैं, हमको बहुत से रूल्स देने हैं, लगभग 30-35 रूल्स इसमें बताने हैं, वो सारे अगले वीडियो में आपको दिए जाएंगे। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं फिर से हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि आप सभी वीडियोस का लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर चैप्टर को मैं YouTube पर रख दूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है, और सारे 11-12 के सिलेबस को भी मैं रख दूँगा। और अब कल से स्टूडेंट्स के आग्रह पर मैं अल्टरनेट करके वीडियो रखूँगा स्पोकन और ग्रामर दोनों को। थैंक यू, धन्यवाद।